फिर बच्चे से बात करा दो साहब, बच्चे को उसके पिता के पास नहीं जाने दे रहे जो वायरस का मर रहा है वो। सही बात है। और तुमको साला 2 घंटे हम छूट दे रहे हैं, 2 घंटे के लिए तुमको राशन की दुकान कर रहे हो, उसी में पैसा कमाओगे? भाई सामान तो तुझे बेचना पड़ेगा। आप जो भाव बोलोगे वो बेच दूंगा। रेट टू रेट भाई जो भाव क्या सारे, हम तुमको फोकट में बोल रहे हैं बेचने के लिए। जो आप बोलो, अगर 15 रुपए का नारियल है तो 15 रुपए का बेच, अगर अगर तेल की सीसी 95 रुपए की है या 100 रुपए की है तो बेच। माल नहीं था मैंने यहीं से लिया बाजार से। अरे कहीं से लिया माल? मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, मैंने आपसे परमिशन ले लिया। कुछ भी हो गई तो मैंने यहीं से मंगा। तू अपनी मम्मी के लिए पूरी 50 आदमी ले जाएगा? बेच रहा सर, यहीं से लाके बेच रहा हूँ। अगर नहीं आपसे निवेदन है बस, तेरे को जो आप बोलोगे मैं वाह वाह भेजूंगा। ये परोपकार का काम है। सांसद जी ने 1 करोड़ रुपया दिया है, रोज का 20,000 रुपए रोज का उनका खाना बन रहा है। ठीक है साला, तुम पैसा कमाने में लगे हो। अभी अभी रात को 3:30 बजे सोया हूँ, दुकान खुली है। 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा नहीं सो रहे, गला रोज गर्म पानी पी पी करके गला चला रहे हैं। हमारी हम जान रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और आप लोग साला पैसा कमाने में लगे हुए हो। सब काम करता है, पूरे थाने के एक एक कर्मचारी को मैंने बोल दिया कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है साला किसी भी सिपाही ने बदमाशी कर दी तो ठीक नहीं होगा। हम मोटरसाइकिल वाले को भी देख रहे हैं कि गरीब आदमी को चालान मत करो, जो व्यापारी के लड़के हैं साले शौक करने आ रहे हैं उसका चालान करो, गरीब आदमी का मत करो, क्योंकि उसको कमाने को 250 रुपये रोज नहीं मिल रहे, वो चालान कहाँ से देगा? सिंगल आदमी कोई बोल जाए थाने पे, जब से लॉकडाउन लगा है कोई भी सिपाही कबलदार किसी भी कोई एक एक पैसे की कोई अगर बात भी कर रहा है तो साला आदमी बढ़ के मदद कर रहा है, अपनी तरफ से लोग योगदान दे रहे हैं कि साहब हमारी मदद ले लो, ठीक है, और तुम साला किराना व्यापारी पैसा कमा रहे हो। सर आप आज की बात नहीं करोगे? आज की बात इसको तो बैठा होगी।